मानसेमल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के 3 आरोपियों को 24 घंटे में किया गया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। मानसेमल पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बड़वानी अनुविभागीय अधिकारी राजपूतपुर के मार्गदर्शन व निर्देशन से मानसेमल पुलिस ने चोरी के आरोपी को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना दिनांक 22/5/2022 को आवेदक भारत सिंह पिता अब सिंह चौहान निवासी बड़पुरा मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान के पीछे के साइड चढ़ाव पर बनी रोशन दान की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर के अंदर रखी गोदरेज में रखी सोने की एक 10 ग्राम की अंगूठी, एक 5 ग्राम की अंगूठी, चांदी की एक जोड़ बुटिया, एक जोड़ चांदी के कड़े, 3 जोड़ चांदी के पायचेब, चांदी की 2 बिछोड़ी, एक सोने की मोती से भरी मंगलसूत्र तथा 2 सोने के पैंडल, 5 ग्राम के एक जोड़, 5 ग्राम सोने के कान के टाप्स एवं नकदी 40,000 रुपये। अज्ञात बदमाश कुल 2,53,500 की मशरूका चोरी करके ले गए हैं। आवेदक की रिपोर्ट पर थाना पानसेमल पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/2022 धारा 457-380 भादवी में पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को 24 घंटों में गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया जाएगा। पानसेमल से महेंद्र सोनेवणे की रिपोर्ट। देखिए, इसमें 22 तारीख को हमारे थाना पानसेमल पर एक शिकायत दर्ज हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसके घर में चोरी हुई है और लगभग 2,50,000 रुपये की चोरी है। इसमें कुछ नकदी और उसके साथ साथ में सोने और चांदी के कुछ जेवर हैं जो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जो हमारी थाने की टीम है, इसने सक्रियता से इसमें काम करना शुरू किया। हमने इसमें FIR दर्ज की अपने थाने पे। जो स्थानीय मुखबिर तंत्र है और जो हमारे तकनीकी साक्ष्य का काम होता है, दोनों को हमने एक्टिवेट किया और इसमें जो संदेही युवक निकल के आए, उनको जब हमारी पुलिस ने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने चोरी की वारदात कबूली और उनसे हमारी टीम ने लगभग पूरा मशरूका बरामद कर लिया है, लगभग 2,50,000 रुपये का। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं, युवराज और सोनू, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनका एक साथी भी है जो कि बाल अपचारी है, उसको भी पुलिस ने राउंड अप किया है। इनको भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लेके हम इनसे अग्रिम आगे की पूछताछ भी कर रहे हैं कि क्या और ऐसी कोई वारदातें हैं जिनका इनसे खुलासा हो। जो ये एक चोरी की घटना थी, त्वरित रूप से हमारी थाने की टीम ने इसमें काम करते हुए सफलता हासिल की है, इनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि किसी सोनार के इन्होंने बेची थी, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा, अभी इसमें पूछताछ जारी है और इसमें जो भी लिंक चैनल निकल के आएंगे, उन सभी को इसमें दोषी बनाया जाएगा और उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, माल कहाँ से बरामद किया गया? ये जो 2 आरोपी मुख्य मैंने बताया, कुछ सामान इनके पास था, कुछ इन्होंने छिपा दिया था, वहाँ से हमने बरामद किया है और अभी जैसा हमने कहा कि इसमें अग्रिम पूछताछ अभी इनसे जारी है।